हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमारी धरती का अधिकतम हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें से 7 महासागर हैं। इन्हीं महासागरों में से एक है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इस धरती का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सबसे बड़े महासागर के नीचे की धरती में दरारें पड़ने लगी हैं। दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दरअसल हमारे पृथ्वी लिथोस्फीयर यानी इसकी ऊपरी सतह बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊपरी सतह पर टेक्टोनिक प्लेटें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इन प्लेटों से जुड़ी एक नई खोज की है। ये खोज टोरंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें वैज्ञानिकों को पता लगा है कि प्रशांत महासागर के नीचे की प्लेटों में बहुत बड़ी फॉल्ट है, यानी प्रशांत महासागर के नीचे जो धरती है वहाँ दरारें देखी गई है। ये दरारें सैकड़ों किलोमीटर लंबे तो है ही, साथ ही हजारों मीटर गहरे भी हैं। इस फॉल्ट से महासागर के प्लेटर टूटकर दूर हो रही है। वैज्ञानिकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि महासागरों के अंदर की सतह यानी धरती में भी दरारें पड़ती है। यही दरारें ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण इन्हीं दरारों को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप जान गए होंगे कि महासागरों के नीचे दरारें क्यों पड़ रही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।